नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जाहिद पर। आज का विषय है घुसपैठिए। आपको पता होगा कि भारत में लाखों की संख्या में घुसपैठिए जो कि दूसरे देश में है, वो भारत में काफ़ी सालों से रहते आ रहे हैं, जो कि रहते यहाँ है लेकिन यहाँ उनका जो रहना है, वो जो यहाँ रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं। तो आज हम ऐसे घुसपैठियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो घुसपैठियों की जो सबसे बड़ी तादाद है वो है बांग्लादेशी की, उसके बाद रोहिंग्या। तो हम इन दोनों की जो सारा डिटेल्स है वो आपसे आज हम यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आपको इसकी जानकारी देते हुए हम पहले बताते हैं कि 2004 में पहली बार जब संसद में इस बात को उठाया गया था कि भारत में कितने बांग्लादेशी रहते हैं, तो तब जो कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे संजय जायसवाल जी, उन्होंने बताया था कि भारत में लगभग 1.2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। लेकिन बाद में, जैसे कि आपको पता है, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से आदत रही है कि जब उन्होंने देखा कि उनके ही पार्टी के लोग उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को वापस ले लिया था। 2016 में जब भारत के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से यही सवाल पूछा गया था, उन्होंने बताया था कि भारत में अवैध रूप से लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी रह रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। अवैध रूप से इतने सारे लोगों का किसी देश में रहना उस देश के सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। साथ ही साथ उसके बाद आपको पता है 2017 में बर्मा के रहने वाले जो रोहिंग्या थे और वहाँ के जो लोग थे उनके बीच में संघर्ष हुआ। संघर्ष का कारण जो भी रहा हो उससे हम भारतीयों को कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस समय भी बहुत सारे रोहिंग्या जो थे बर्मा से भागकर भारत आए थे और भारत के बहुत सारे कैंप में रहे थे। तो 2016-17 में जो एक अनुमान लगाया गया था कि भारत में लगभग 40,000 के आसपास रोहिंग्या है जो अलग अलग कैंपों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो कि भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। अब हम बात करते हैं अभी हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का। आपको पता होगा कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से कुछ रोहिंग्या लोगों को पकड़ा था, उनको डिटेंशन सेंटर में डाला था, उसके बाद उन पर कार्रवाई चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे प्रोसेस के साथ इनको वापस बर्मा भेज दिया जाए, प्रोसेस के साथ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नियम है इनको वहाँ भेजने का, जो करने का जो रूल्स बना हुआ है, उन रूल्स के आधार पर उनको बर्मा भेज दिया जाए, लेकिन भारत में ऐसे लोगों को नहीं रखा जाए। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद सरकार भी इस चीज़ को आगे आए और देश के कोने कोने में जो छुपे हुए हैं, बांग्लादेशी हो चाहे वो फिर रोहिंग्या हो, जो यहाँ अवैध रूप से हैं, उनको भारत से निकाल के उनके देशों में सुरक्षित पहुँचा दिया जाए। ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अब हम बात करते हैं कि ये लोग भारत ही आना क्यों पसंद करते हैं, इनको भारत इतना ज़्यादा पसंद क्यों है कि ये लोग अवैध रूप से भारत आते हैं या गलत तरीकों का इस्तेमाल करके भारत आ जाते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे देशों में भारत जो है एक बहुत ही अच्छा देश है। जहाँ तक हम अपने देश की बात करते हैं, यहाँ पर आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी है। यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, आप यहाँ प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, आप यहाँ प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ आप देश की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का अपमान कर सकते हैं, यहाँ के जो राष्ट्र चिन्ह है उनका अपमान कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर लोग करते हैं, करते आ रहे हैं और कुछ लोग अभी भी करते हैं, और उन पर भी किसी प्रकार का कोई ठोस कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की जाती है। यहाँ तक कि बीजेपी की सरकार, जिससे लोगों ने बहुत उम्मीद करके 2014 में इन्हें जितवाया था, 2019 में भी इनको पूरा सपोर्ट मिला था, वो भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे पीछे हट जाती है और इन सब चीज़ों को या ऐसे करने वाले लोगों को कोई खास सजा नहीं देती है या नहीं दिला पाती है। तो उनकी मानसिकता भी समझ से परे है, जबकि वो लोग आए ही थे इसी चीज़ के साथ कि हम ऐसे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उनके आने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बाहर निकल के आए, जिन्होंने खुलेआम देश के राष्ट्र चिन्हों का, राष्ट्र के नायकों का, हमारे सोल्जर्स का, हमारे सैनिकों का अपमान किया, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों के साथ किसी तरह का कोई भी सजा उनको नहीं मिला। कुछ महीना जेल हो गया, कुछ महीना के बाद वो जमानत पे निकल आया और फिर से वो अपनी गंदी मानसिकता, आपको उनको ट्विटर अकाउंट्स पे आप जाइएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि भारत क्या कर सकता है। तो भारत की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, अगर वो भारत आए हैं तो उनको भारत सही तरीके से पहले उनकी पहचान करे कि कौन कौन बांग्लादेशी है, प्रॉपर तरीके से पहचान हो, इसमें बायस्ड होकर पहचान ना किया जाए, और जो भी बांग्लादेशी है या जो भी रोहिंग्या है उनको सही तरीके से नियम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वापस उनके देश में पहुंचाया जाए। इसके लिए सबसे सही यही रहेगा कि जो जिस देश के जो नागरिक है वहाँ की सरकार से संपर्क किया जाए,
उनकी आइडेंटिटी खोजा जाए और उस आधार पर उनको उनके देश तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि भारत की जनसंख्या खुद ही बहुत बड़ी जनसंख्या है। ऐसे में अगर बाहर के बहुत सारे लोग भारत में आ जाते हैं वो भी बिना रूल्स को प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। अब बात करते हैं, अगर ऐसे लोगों को आना ही है तो भारत में सिटीजनशिप देने की एक रूल है, एक नियम है, जिसके आधार पर आपको भारत का सिटीजनशिप मिल जाता है। तो आप प्रॉपर तरीके से आइए, भारत में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कीजिए और फिर आप भारत का नागरिक बनकर आराम से यहाँ पर जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन जो भी लोग भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं या जो भी लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सरकार की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। और अभी हमने हाल के कुछ घटनाओं में इस चीज़ को देखा भी है। तो ये जिम्मेदारी सारे लोगों की बनती है, भारत के हर व्यक्ति की बनती है, वो ऐसे लोगों का समर्थन ना करें। और लेकिन समर्थन ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप इनके साथ कुछ बुरा करें, इनको सही तरीके से डिटेन करें सरकार और पुलिस, और इनको इनके देश तक सही तरीके से पहुंचा दिया जाए। उसके बाद इन लोगों की जिम्मेदारी उसके देश की सरकार की है, हमारी नहीं है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।